नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। आसान सा क्वेश्चन है और पहले किसी ईयर में पूछ चुका है, तो फटाफट बनाकर खत्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज ट्राइसेक्टेड एट द पॉइंट पी एंड क्यू। मतलब एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो कि ट्राइसेक्टेड है पी और क्यू से, ठीक है। और क्या बोल रहा है, पी इज दैट, मतलब इस टाइप से है कि पी ए के नियर में है। और क्या बोल रहा है कि इफ पी ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन, ठीक है, गिवेन बाई, एक लाइन पे पी क्या कर रहा है, एक लाइन पे भी लाई कर रहा है। तो फाइंड क्या करना है, जो यहाँ लाइन में इक्वेशन में दिख रहा है के का वैल्यू, उसको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले इससे रिलेटेड एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास ए बी क्या है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि ए बी मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ए बी मेरे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है। ए के बारे में कितना बोल रहा है, ए के बारे में पास टू वन बोल रहा है, तो बस यहाँ पे टू वन कर लेते हैं। और बी के बारे में कितना बोल रहा है, बी के बारे में फाइव और माइनस एट बोल रहा है, ठीक है, फाइव और माइनस एट बोल रहा है। ये क्या है, ये लाइन मेरा ट्राइसेक्टेड है, इसका मतलब क्या कि तीन इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, तीन इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है, इसका मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है। यहाँ मतलब दो किससे, किससे, पी और क्यू पॉइंट से। और साथ में बोल दिया गया है पी इज नियर टू ए, मतलब क्या कि यहाँ पे पी आएगा, पी नियर टू ए है, इसका मतलब पी इधर आएगा और क्यू इधर आएगा। और क्या बोल रहा है, पी एक और लाइन है जिसपे उसपे भी लाई कर रहा है, कुछ ऐसा एक लाइन का इक्वेशन दिया गया है, इसपे भी क्या कर रहा है, लाइन लाई कर रहा है, और इसका क्या दिया गया है, ऐसा इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो ये जो के दिख रहा है आपको, इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसके लिए करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, ये क्यू फालतू का दे दिया है। सबसे पहला एम क्या है, हम लोग पी के कोऑर्डिनेट्स को निकाल लेंगे, एक्स और वाई को, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि पी इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या, जो एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे वो इस पे पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस पे पुट करके क्या करेंगे, के वैल्यू को निकाल लेंगे। अब बात रही इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालेंगे, मेरे पास यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे मेरे पास रेशियो तो दिया गया है नहीं, दिया नहीं गया, आपको क्लू दिया गया है, बोल क्या रहा है, ट्राइसेक्टेड है, मतलब तीन पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। क्यू के इधर कितना पार्ट है, वन पार्ट है, मतलब क्या किधर वन हो जाएगा। और पी के उधर साइड देखिए कितना पार्ट है, एक और दो, तो इधर दो हो जाएगा, मतलब क्या कि एम इक्वल टू वन और एन इक्वल टू टू हो जाएगा, ठीक है। ए से बी में देखना है, तो ए से बी जाएंगे हम लोग, तो इस कंडीशन में एक्स वन वाई वन ये और एक्स टू वाई टू ये, ठीक है। चलिए फाइंड किसका करना है, पी का, क्यू से तो कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग को क्यू बेकार का फालतू का दिया है, ठीक है। चलिए बस वो इसलिए हिंट दिया है, इस मतलब इसके लिए दिया ताकि हम लोग रेशियो फाइंड कर सके, बस उतना ही मतलब था उससे, और उसको अब हम लोग हटा देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको हम लोग एक्स और वाई क्या करेंगे, अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस एक्स और वाई के वैल्यू को निकाल लीजिए, जो आएगा इसमें पुट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट करते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे वाई वाई सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, सेक्शन फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। x इक्वल टू क्या होता है, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, ठीक है। m कितना है मेरे पास, वन है, ठीक है। x टू कितना है मेरे पास, फाइव है, प्लस का साइन, n कितना है मेरे पास, टू है, और x वन देखिए कितना है मेरे पास, टू है, और डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, वन प्लस टू, काम खत्म, सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। फाइव प्लस फोर नाइन, और नाइन बाई थ्री, इसको सॉल्व कीजिएगा तो मेरा थ्री आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू थ्री आ गया। अब हम लोग y फाइंड कर लेंगे, तो बस y फाइंड कर लीजिए, एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन होता है, ठीक है। m कितना है, वन है, तो वन पुट कर लीजिए, y टू कितना है मेरे पास, माइनस एट, तो माइनस एट पुट कर लीजिए, प्लस साइन, n कितना है मेरे पास, n कितना है मेरे पास, टू, और y वन कितना है मेरे पास, वन है, तो वन पुट कर लीजिए, डिवाइडेड बाई m, m कितना है, वन, और n कितना है, टू, खत्म। चलिए अब सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, माइनस एट प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री, तो कितना आ जाएगा, माइनस सिक्स बाई थ्री, कट कीजिए, माइनस टू आने वाला है, मतलब ये जो p पॉइंट आ गया, कितना आ गया, थ्री और माइनस टू आ गया। अब क्या करेंगे, बस p इस लाइन पे भी लाई कर रहा है, इसका मतलब ये इस पे सेटिस्फाई करेगा, तो लिखेंगे सिंस p लाइज ऑन द ऑन लाइन, किस पे 2x माइनस y प्लस k इक्वल टू जीरो, ठीक है। बस कुछ नहीं कीजिए, x और y के वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, 2x कितना है मेरे पास,
एक्स है थ्री, तो यहाँ पे थ्री पुट कर लेंगे, माइनस साइन वाई, वाई कितना है, वाई मेरे पास माइनस टू है, तो बस माइनस टू प्लस के इक्वल टू जीरो, थ्री टू जस्ट सिक्स, माइनस माइनस प्लस टू प्लस के इक्वल टू जीरो, कितना आ गया एट प्लस के इक्वल टू जीरो, के का वैल्यू फाइंड कीजिएगा, माइनस एट आ जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।